वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोजयं मुदीरै नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम क्रम के अनुसार प्रथम स्कंध के नौवें अध्याय का 34वां श्लोक विश्व पितामह के द्वारा उच्चारित स्तुति। युद्धे रजः विद्धुम्र विश्वक कच लुलित शमवारी अलंकृत अलंकृतास्य मम निशिता शरे विभिद्यमान त्वचे विलसात कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा युद्धे तुरगरजो विदुम्र विश्वक। कचलुलित समवाद अलंकृतास्य मम निशित शरैर विभिद्यमान मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि मिल सत कवचैस्तु कृष्ण आत्मा युद्धे तुरगरजो विदुम्र विश्व। कचलुलित समवाद्य अलंकृतास्य मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि सत कवचैस्तु कृष्ण आत्मा युद्धे तुरगरजो विदुम्र विश्व। कचलुलित समवाद्य अलंकृतास्य मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचैस्तु कृष्ण आत्मा युद्धे तुरगरजो विदुम्र विश्व। कचलुलित समवाद्य अलंकृतास्य मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचैस्तु कृष्ण आत्मा युद्धे तुरगरजो विदुम्र विश्व। कचलुलित समवाद अलंकृतास्य मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि मिल सत् कवचैस्तु कृष्ण आत्मा युद्धे। और कोई गाएगा? और कोई बोले थे?
युद्धी युद्ध के अंतर्गत तुरग राजा घोड़ों की डाब से उड़ी हुई धूली उड़ी हुई विदुम्रा धूली विश्व का विस्तरित कच्चा बालों में लुलित समवाद्य कच्च लुलित बिखरे हुए बालों पर समवादी पसीने के बूंदे अलंकृता से इन सबसे अलंकृत मुख वाले मम मेरे निशिता चलाए गए शरय तीर के द्वारा विद्यमान छेदे गए त्वची त्वचा को विलसत सुंदर लग रहे हैं कवचेस्तु उन कवच के साथ कृष्णा उन कृष्ण में आत्मा मेरा मन लगे तो श्री भीष्म पितामह अपनी स्तुति के तीसरे श्लोक में ये कहते हैं कि मुझे उस समय का दृश्य याद आ रहा है कि जब युद्ध में उन घोड़े की टाप के द्वारा उड़ी हुई उन रज से जिनके मुख पर उन घुंघराले बाल की जो अलके हैं और ये धूली दूषित हो रही थी और उनके मुख पर श्रमवारी पसीने के बूंद लगे हुए थे और मेरे पहने तीरों के द्वारा जिनकी त्वचा छेदी गई थी जिनका कवच काटा गया था ऐसे श्री कृष्ण में मेरी बुद्धि लगी मेरा मन लगे कैसे कृष्ण में युद्ध करते हुए कृष्ण में या युद्ध में अपने सखा को विजय दिलाने में परिश्रम करते हुए जो कृष्ण है उनमें मेरी बुद्धि लगे विष्णु पितामह कहते हम अज्ञान ज्ञानांजन सलाकर चक्षुर्निमीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखन्वितं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा तमहमन्दे परमानन्द माधव जयतं सुरत पंगौ मम मन्दमतैर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
तो श्रील प्रभुपाद महाराज ने आज के इस श्लोक के अपने तात्पर्य में जीव गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रधीर ठाकुर को बराबर अनुसरण करते हुए तात्पर्य दिया है। सो हमारे पास खूब अभाव है समय का, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है और स्तुति का ये तीसरा चौथा श्लोक चल रहा है, तीसरा है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हुए प्रभुपाद जी का तात्पर्य और सीधा क्लास चला रहे हैं। तो इस श्लोक में भीष्म पितामह ऐसे सुंदर कृष्ण में, कैसे सुंदर कृष्ण में या कैसे कृष्ण में, बोले भक्त वत्सल कृष्ण में, और जिनका मुख अत्यंत सुंदर था, यद्यपि उनके उपास्य देव उन चतुर्भुज अनंत देव है, कल हम लोग देख रहे थे उन कथा में जाकर के कि किस प्रकार श्री भीष्मदेव जिनसे इस संसार प्रवाह निश्चित हो रहा है, लेकिन उनका ही ये रूप है ऐसा उनका समझना है कि वही उन अनंत पुरुष ने इन कृष्ण रूप में आकर हमारे बीच में वही ये अनंत लीला कर रहे हैं। जो भी हो, चक्रधीर ठाकुर लिखते हैं, क्योंकि भगवान अनंत की ये सृष्टि लीला के साथ ये बहुत ख्याति है भगवान अनंत की, जिनसे सृष्टि प्रवाह चलता है, इसलिए श्री भीष्म पितामह उस प्रकार स्तुति करते हुए कहते हैं। और वही अनंत देव ये कहते हैं कि इन द्विभुज कृष्ण के रूप में अपने उन सखा के प्रति अत्यंत स्नेही लोग करके उनको विजयी दिलाने के लिए इन कवरों के प्रति युद्ध कर रहे थे, और मैं उनकी इच्छा से उनके शत्रु सेना में था। तो अर्जुन उस स्वरूप की झांकी नहीं कर रहा था, तो पीछे था, लेकिन कौरव सेना को बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्रॉपर होता था, सामने थे ना, एकदम सामने। तो भीष्म पितामह क्योंकि शत्रु पक्ष में थे, इसलिए वो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। और अभी वो कहते हैं कि मेरा मन ऐसे कृष्ण में लगे, ना कैसे कृष्ण में लगे, तो बोलते हैं जो उन श्रम के कारण अपने मित्र को युद्ध में विजय दिलाने के श्रम के कारण जिनके मुख के ऊपर पसीना आ रहा था और नीली अलकावली भगवान के सुंदर बाल, घुंघराले बाल लटक रहे थे, और घोड़ों की डाब के कारण धूली उड़ करके, अब धूली सुंदर नहीं है, दस्त सुंदर नहीं है, लेकिन उन सुंदर भगवान के ऊपर गिरने से वो अतिव सुंदर हो जाती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि पूर्णतम भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके ऊपर जो कोई भी वस्तु जाती है वो उस शोभा का अवसर पाती है, वो वस्तु शोभित होती है उनके विग्रह से। वो गहना जब उनको पहनाया जाता है तो गहने के कारण वो सुंदर नहीं लगते हैं, उनके कारण गहना सुंदर लगता है। भूषण भूषणांगम भगवान के विषय में बताया गया है, भूषण भी विभूषित हो जाते हैं भगवान के अंग पर गिरकर। तो धूलि इत्यादि कुछ भी है वो इन पूर्ण भगवान के ऊपर जा करके, वो धूलि के कारण, जैसे भगवान ने पाउडर लगाया है तो पाउडर लगाते नहीं है, जरूरी नहीं कुछ है, लेकिन इसी प्रकार भीष्म पितामह सोच रहे हैं, उनको याद आ रही है उन
गोपीजनों के साथ जो भगवान की लीला, भीष्म पितामह सारी लीला जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आगे उनका जन्म हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण 130 साल के थे जब ये युद्ध चल रहा था, उनके बाद में थोड़े ही काल में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, ऐसा वर्णन है। ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग उसी को सुनते हैं। विमल कुंड की कथा में ये कथा आती है। विमल कुंड पर एक दिन महाराज बता रहे थे कि महाराज विमल की बहुत ज्यादा कन्याएं थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। महाराज का नाम था विमला, शायद उनकी पत्नी का नाम था, ऐसा कुछ है, जिनके नाम से वो कुंड है काम्य वन में, बहुत सघन वन है। युधिष्ठिर महाराज वगैरह वहां 6-7 महीना 8 महीना रुके थे, उनके बाद में वो सिद्धा वो 1 साल अज्ञातवास में चले गए थे, वहीं से वो काम्य वन में रुके थे। और विमल कुंड और काम्य वन में बहुत सुंदर कुंड है, तो उनके विषय में ये कहा जाता है कि इन महाराज के पास 5,000 कन्याएं थी उनकी, लेकिन वो थी सब ऋषि मुनि गण, उनके घर में कन्या के रूप में आए हुए थे, वो भगवान के साथ विवाह करना चाह रहे थे। तो उन कन्याओं के लिए वर खोजने के लिए, बल्कि उनके उपयुक्त वर कौन है, तो नारद जी ने शायद उनको बताया था कि वासुदेव का लड़का एक हुआ है, वसुदेव का एक लड़का हुआ है, उन वसुदेव के लड़के के साथ आप उनका विवाह कर दो। वो जब वो महाराज पूछते हुए ब्रज में आए कि कौन है, वसुदेव को लड़का हुआ था, कौन लड़का है, कौन, चलो जाया जाए उधर, तो जब वो मथुरा में आए उन्होंने सुना कि तो वसुदेव को लड़का हुआ था, वसुदेव को तो वो लड़का हुआ नहीं, उनको तो वो लड़की हुई थी, क्योंकि विदित था कि वो एक लड़की हुई थी, लेकिन वो भी कंस के हाथ में आकर के उड़ गई आकाश में, वो दुर्गा थी, तो उनका तो कोई लड़का सुना, बाकी जिनका जितना लड़का हुआ था वो तो मार दिया कंस ने। तब भीष्म पितामह ने वहां बताया था उसको, नहीं नहीं ये आप लोग जानते नहीं है, वसुदेव जी ने उनको छुपके से नंद के घर पहुंचाए, ये जो नंद का लाला है ना वही वसुदेव का पुत्र है, तो इन्हीं के साथ वो महाराज ने उन 5,000 अपनी पुत्रियों का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। ऐसी घटना वहां पर विमल कुंड में थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि बहुत साल पहले सुनी हुई कथा है, बहुत साल पूर्व तो मैंने बंद कर दिया था ब्रजमंडल परिक्रमा, लेकिन आज अचानक याद आ गया भीष्म पितामह का नाम लेते ही उन कथा को, ठीक से मैं बता नहीं पाया उस कथा को, क्षमा कीजिए। लेकिन उसी प्रकार तो भीष्म उन कृष्ण तत्व के जानकार है, तो उनको भगवान की वो लीलाएं याद आ गई, जब भगवान ने ब्रज में किस प्रकार गोपियों के साथ लीला किया, तो सारी लीला वो जानते थे। तो अपने आचार्य जोगेश्वरनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि वो कह रहे हैं कि उन ब्रज लीला के अंतर्गत भगवान ने, उन गोपीजनों ने तो भगवान को प्रार्थना करते समय जो श्लोक का उच्चारण किया था, उन्हीं श्लोक के सदस्य श्लोक है। वो श्लोक क्या है ना, 10वें स्कंध के 32वें अध्याय में श्लोक है, ये गोपी गीत का श्लोक है। दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननम् विव्रदावृतम्
Ganarajasalam darsayanmu manasinah smaram virajachati. भगवान की ब्रज कर जो लीलाएं हैं वो बहुत विख्यात हो गई थी तुरंत तुरंत, क्योंकि उनका गान चारों ओर लोग करते थे। तो भीष्म पितामह ने ये श्लोक सुना था गोपियों के द्वारा उच्चारित श्लोक। इनके कहते हैं कि भगवान हे कृष्णचंद्र, आप जब दिन ढलने के समय ब्रज से घर में लौटते हैं तो उसी समय इन गायों के खुर से उड़ी हुई धूली और घुंघराले बालों में लग करके वो मुख उस टाइम इतना सुंदर लगता था कि जिनको वो कोई देखता था तो कहते हैं वो पुनः पुनः देखने की इच्छा करते हैं, उनके उनके हृदय में आपके प्रति भारी प्रेम उमड़ता था। ये गोपी जन गा रही है, या हमारे हृदय में उनको देख करके बारंबार आपके प्रति उन प्रेम जागृत हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार का श्लोक देखे भीष्म पितामह यहां, क्योंकि वो वीर रस का आस्वादन कर रहे थे गोपीजन, भगवान के प्रति मधुर रस के आस्वादन में श्लोक गोपीजन बोलती है, लेकिन श्री भीष्म पितामह वीर रस का आस्वादन करते हैं, है ना। अब देखिए इनकी जितने भी श्लोक हैं, उन 11 के 11 श्लोक, केवल ये युद्ध के मैदान में कृष्ण का ही दर्शन, कैसे कृष्ण के प्रति ऐसे कृष्ण के प्रति, या इसी प्रकार हाथ में चाबुक लिया है, आगे सब श्लोक ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक वीर योद्धा है, वीर योद्धा थे, अतः उन भगवान की कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो छवि बन रही थी, अब भगवान चाहे ब्रज में गाय चराते हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हैं, वो भगवान भगवान है सदैव हमेशा, और उनकी सुंदरता में इत्यादि में कोई कमी नहीं हुआ। 130 साल का शरीर था उनके पास, लेकिन अभी मुछ का बाल ब्रज में जैसे ही थे, मुछ का बाल नहीं फूटा था, क्योंकि भगवान की आयुष्य 16 साल के ऊपर जाती नहीं है, उससे सदैव उस आयुष्य में वो हमेशा रहते हैं। इसलिए उनकी सुंदरता ये गलित सौंदर्य नहीं है, इस संसार में जो व्यक्ति का सौंदर्य होता है वो गलित सौंदर्य है, और जिस सुंदरता को देख करके इस माइक संसार में व्यक्ति परस्पर कामना से उनका हृदय भर जाता है, और वही भगवान का दर्शन करने से उन काम तो कहां तिरोहित हो जाता है, भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ता है। उनकी कथा श्रवण करने मात्र से साधक जन उनमें प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं, बड़े बड़े साधक जन कथा श्रवण मात्र से, तो फिर उनके दर्शन से क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन हाँ, जैसी रही नहीं कैसे वो तीन मूर्त देखी तीन तैसी, कहते हैं कि जिनकी भावना जैसी है उसी प्रकार उनकी वो मूर्ति को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन व्यक्ति के हृदय में जिस प्रकार का उनके प्रति भाव है उसी प्रकार वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे मल्लो को एकदम स्टील बॉडी वाले पहलवान दिखाई पड़े कृष्ण, छोटे से वो बड़े बड़े मल्ल थे, चारण मुष्टिक इत्यादि, जब भगवान उपस्थित हुए उन कंस के द्वारा नियोजित जो कुश्ती का मैदान बनाया था उसमें जब उपस्थित हुए तो उनको तो असनी बोले है तो कोई ठोस व्यक्ति है, और वहीं पर स्त्रिया बैठी थी तो उनको तो एक बच्चे के रूप में दिखाई पड़े, बोले ये अन्याय है अन्याय है। और वहां जो कुछ गोपगण बैठे हुए थे नंद महाराज के साथ तो वो बड़े बूढ़े गोपगण, तो उनको तो एक मासूम बच्चा लगा कृष्ण, लेकिन वहीं पर उन लोग को ओहो बोले इसको जीत नहीं सकते हैं, कैसे जीत पाएंगे इसको, एक छोटे से बालक
कृष्ण बलराम थे उस समय, और उन्होंने सुना था कि कुवलियापीड हाथी को उन्होंने बगैर हथियार मार दिया, उन हाथी का दांत उकेड़ करके उनके पेट में घुसर करके मार दिया। इतने बड़े महाबलवान हाथी को वो गेट पर मार करके लोग प्रवेश किए थे अंदर। ये लोग उनको तो साक्षात असली समान, लोहे के समान देख रहे थे। तो जिसकी भावना भगवान के प्रति जैसी होती है, उसी प्रकार भगवान का रूप बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य विग्रह है। तो एक महायोद्धा के रूप में भीष्म पितामह उनको देख रहे थे कि मेरे सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक महान योद्धा के रूप में उनको दिखाई पड़ रहे थे। और ये भगवान की इच्छा से उनके ऊपर तीर मार रहे थे। जीव गोस्वामी पाल हमारे तत्वाचार्य है, और माधुर्य का आस्वादन करने वाले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। श्रील प्रभुपाद महाराज इन दोनों के भाव को इकट्ठा करके परपट दिया है, बहुत सुंदर परपट। मेरा केवल ये प्रवचन जो हो रहा है आपके लिए, वो केवल जस्ट प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने में प्रेरणा के लिए हो रहा है। बस एक बार वो आपके हाथ में आ जाए, मेरा दायित्व पूरा हुआ। क्योंकि हमारे हृदय में ऐसे धार्मिक पुस्तकों के प्रति, खास करके भागवत मित्रादि के प्रति, तो हमारा उत्साह नहीं रहता है। सामान्य स्टोरी सुनना है, कोई लौकिक वार्ता राजा रानी का, तो हमको बहुत पसंद है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हम लोग की जिज्ञासा होती है। लेकिन भगवान का कथा जहां आता है वहां नींद लगती है ना। और उसमें भी भगवान के विग्रह की कथा, उनके सुंदरता की कथा, उनके माधुर्य की कथा रास नहीं आती है। तो इन दोनों को पकड़ करके श्रील प्रभुपाद महाराज परपट दिए हैं। उनके परपट के साथ जब आप भागवतम पाठ करेंगे तब पता चलेगा। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, क्योंकि वो तत्व विचार वाले हैं, तत्व से ही विचार करते हैं हमेशा जीव गोस्वामी पाद, इसलिए उनको तत्वाचार्य बोलते हैं। 400,000 श्लोक का उन्होंने अपने से रचना किया है, 400,000 श्लोक। वो सारा शास्त्र मानते हैं वैष्णवगण, एक भी त्रुटि कोई निकाल नहीं सकते उसमें से। 400,000 श्लोक अपनी ओर से रचना किए, महा उद्भट विद्वान पंडित। 400 साल के बाद उनके बाद कोई ऐसा विद्वान हुआ नहीं है आज तक। तो वो जीव गोस्वामी पाद ये विचार देते हैं कि इस श्लोक में जो लिखा गया है कि भीष्म पितामह ने भगवान के शरीर को छेदा, ये तो साफ भागवतम लिखा है। उन कवच को छेद करके उनकी त्वचा में तीर घुस रहे थे, और रुधिर से उनकी छाती छन्न थी। आगे के श्लोकों में वो वर्णन आएगा। वो बोलते भगवान का शरीर एक मनुष्य जैसा शरीर है क्या? वो तो बोलते दिव्य है, उनमें से खून कैसे निकलेगा, प्रश्न उठता है ना। आइए जीव गोस्वामी पाद क्या कोटेशन देते, चलो प्रभुपाद महाराज कोट किए उसको। वो कहते हैं, कहते माइक लीला वर्णन है ना, एवं वदंती राजस ऋषि केचिन अन्विता, कहते हैं कि हे राजन, इसमें मम निश्चिते इत्यादि कम तू माइक लीला। और जीव के सही बात कहते हैं कि मेरे द्वारा जो सर चलाया जा रहा था, भीष्मदेव कहते हैं कि उनके सर में देख रहा था कि भगवान के शरीर में घुस रहा था, उनकी त्वचा को छेद रहे थे। तो ये भगवान की माइक लीला वो दिखाई पड़ रही थी, भगवान की मायागत लीला। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं, इस माया में रहते हुए भगवान जिसके हृदय में जो भाव है उनका पोषण करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे हृदय में भगवान के प्रति अज्ञान है, तो और अज्ञान को दृढ़ करने वाला कार्य भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान के प्रति स्नेह बनाना बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति का स्नेह नहीं चलता है और भगवान के प्रति आसुरी भाव है, तो भगवान उनके आसुरी भाव को दृढ़ करते हैं हृदय में। तो उन असुरों को अज्ञान देने के लिए भगवान अपने शरीर में खून इत्यादि दिखाते हैं। देखो देखो, तुम ठीक समझो, मैं एक मनुष्य हूं।
जिनके पास भगवान श्री कृष्ण के प्रति मनुष्य बुद्धि है, तो भगवान उनको मनुष्य बुद्धि के रूप में पोषण करते हैं। जय यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम, भगवत गीता का सिद्धांत का बराबर पालन करते हैं अपने शब्दों का भगवान। जैसा भाव है मेरे प्रति, उसी प्रकार मैं उनके सामने प्रस्तुत होता हूं। क्योंकि वीर रस का आस्वादन कर रहे थे कौन, भीष्म पितामह, और श्री भगवान भी